अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो आपको बताएगी कि मुर्गी को कैसे खुश रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं इनको सब्ज़ी डालता हूँ, हफ्ते में एक बार इनको सब्ज़ी डालें, दुकान से पुरानी सब्ज़ी चकड़ियाँ दाना लें, इनको डालें, आपकी मुर्गियाँ खुश रहेंगी। ककड़ी से कैल्शियम पूरा होता है, दाना खाने से इनके गुर्दे साफ होंगे, कैल्शियम बढ़ेगा, पट्टियों और पट्ठों का गोश्त बहुत जल्द बढ़ेगा, और कुकड़ियाँ जो अंडे नहीं देती हैं वो भी अंडे देंगी। इसी तरह टमाटर तो बुढ़ा बंदा खाया तो उस वास्ते भी फायदेमंद होना, तो कुकड़ियों के लिए तो ये बहुत ही मज़े का नहीं है, बहुत कुछ से खाती हैं और अशाश पशाश हो जाती हैं। तो पता चला कि आप उनको खुराक से हटकर मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ भी डालें, सब्ज़ियाँ खाने से आपकी मुर्गी ना सिर्फ सेहतमंद रहेगी बल्कि वो खुश व खुर्रम भी रहेगी और आपको रिटर्न मिलेगी। लिखा होगा कि जब कोई मजदूर खुश होता तो वो ज़्यादा काम करता है, इसी तरह जब ये मुर्गी खुश होगी, मेंटली सेटिस्फाइड होगी, तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। ककड़ियाँ आपको, ये जो मुर्गी की आपकी कण नज़र आ रही है चिली हुई जो ये पर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसको गिद्ध ने चक मारा और एक छुड़ा के नस गई। तो मेरी 60% मुर्गियाँ आपको उनकी कंड छिली हुई नज़र आएगी, पर नहीं है, ये देखा है इस मोटी देवी कंड छिली पर नहीं है, कईयों के पर जम आए हैं लेकिन कईयों के इसका भी चक लगा हुआ है, तो ये भी चक लगा हुआ है। ये जो निशान की जो पुश्त पर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये गिद्ध ने इनको चक मारा, चक डाला और ये छुड़ा के नस गई, ये देखा ये, तो ये इनको दोबारा जो ज़िंदगी मिली है ये इन पर अल्लाह का खुसूसी करम हुआ है, अदरवाइज ये गिद्ध के शिकंजे में आ जाते हैं, तो ये आज लुकमा जल बन चुकी होती हैं। तो जनाब मेरी मुर्गियाँ जड़ियाँ ये आड़ू भी खड़ियाँ, आड़ू के बूटे से आजकल आड़ू पका हुआ ना तो उससे खा रही होती है वो, मैं आपको वीडियो नहीं बना सका हूँ, नेक्स्ट दिखाऊंगा कि ये ताज़े आड़ू जो है कैसे खाती हैं। वैसे भी मुर्गियाँ जो खुराक इनकी है इससे हटकर जब आप डालेंगे कोई चीज़ तो उसको खुश होकर खाती हैं। मुर्गी देखें शरीर में बड़ा ज़्यादा चक लगा से, पीठ जिस मुर्गी की पीठ लंगी है पार्ट ख़त्म उस पीठ में, तो आप अंदाज़ा कर लें। ये मैंने छप्पड़ बनाया हुआ जी, देखें कि मुर्गियाँ छप्पड़ में कितनी खुश रहती हैं, ये बिलीव करो कि इस तरह बड़ा चलना कि एसी लगे है, इतना ठंडा है, मेरा अपना दिल करना कि इतना मंजी डाव,
और यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत नदी प्रकृति आवाज़ होती है। और ये देखें ना कि ये छप्पर की नदी जो तहर लगा हुआ है, इसमें मैं रात शाम को पानी छिड़कता हूँ, उससे क्या होता है कि कीड़े मकोड़े बनते हैं, सीख बन जाते हैं, सुबह से उसको ये उठ के इंजॉय करते हैं। तो मुर्गी मेरी खुश क्यों है, इस गर्मी से मैंने उनको अच्छा माहौल दिया हुआ, छप्पर के नीचे ये टेहर के ऊपर पानी का छिड़काव और ये कीड़ा मकोड़ा, और देखो कि मुर्गी यहाँ पर खुलियाँ मारती है तो किस कदर खुश हो जाती है। अपनी मुर्गी को अच्छा माहौल दो, उसको गर्मी से बचाओ, ठीक है, आपकी मुर्गी को बीमारी भी नहीं लगेगी और वो ज़्यादा अंडे देगी और ज़्यादा कोष बढ़ाएगी। तो थैंक यू वेरी मच डियर, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करो ताकि और लोग भी इसको एंजॉय कर सकें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो थैंक यू वेरी मच, नहीं करते हैं तो गिला नहीं है, आपने वीडियो देख ली काफ़ी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।